हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में ही मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन पेजिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कैसे होना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं हूँ आपकी एजुकेटर निशा मित्तल, एंड साथ में आपको मेरे यूट्यूब के साथ अन अकेडमी के ऊपर भी गाइड कर रही हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है अन अकेडमी के ऊपर, फॉलो कीजिए फॉर मोर क्लासेस एंड यूज माई रेफरल कोड निशा एम वाइल डाउनलोडिंग ऐप। ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे एक ऑप्शन आती है, डू यू हैव अ रेफरल कोड निशा एम, फिल कीजिए। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस देन ऑल्सो यूज निशा एम रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, सीधा चलते हैं आज के हमारे क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज दिस। पहले तो ना क्वेश्चन की रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज रिटन, कंसिडर अ मशीन विथ 16 GB मेन मेमोरी। ठीक है, एक मशीन है, उसमें जो मेन मेमोरी है वो 16 GB है। फिर उसके बाद है वर्चुअल एड्रेस स्पेस, Thirty-two bit है। पेज साइज 4 KB है। नाउ इफ अ प्रोसेस साइज इज ऑफ 34 KB, नाउ देखो प्रोसेस साइज कितना दिया है, 34 KB इज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस मशीन, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एग्जामिनर वॉन्ट्स टू नो अबाउट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आपको ये प्रोसेस है जिसको आप रन करना चाहते हैं, उसका साइज 34 KB का है, लेकिन एक पेज का साइज 4 KB है। तो ध्यान दीजिए, आपके पास जो पेज है उनका साइज 4 4 KB है, दिस इज 4 KB। ठीक है, 4 KB, ऐसे मैं कितने बार 4 KB लूं सो दैट 34 बन जाए। ध्यान दीजिए, 4, ठीक है, अगर हम 9 times 4 KB ले रहे हैं तो उससे क्या बना हमारा, 36 KB बना। हमें चाहिए क्या, 34 KB चाहिए, राइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 9 times ले रहे हैं इस तरह से वैल्यूज, ठीक है, 4 KB 4 KB 4 KB, तो 36 KB बना, राइट। ठीक है, क्या इसमें कोई फ्रेगमेंटेशन हो रही है? देखो, 8 पेज तो हमारे पूरे प्रॉपरली यूज हो गए, बिकॉज 8 पेज यूज होंगे तो उसके साथ 8 पेजेस के साथ क्या बन जाएगा, 32 KB। और जो आपका 9th पेज है, मतलब एक जो पेज बचा, उसमें से आपका सिर्फ 2 KB यूज हो रहा है। पेज का साइज 4 KB है, यूज कितना हुआ, सिर्फ 2 KB। सिंपल बात समझो, आपने मेमोरी कितनी ली है, 36 KB की, पर आपको चाहिए कितना प्रोसेस के लिए, 34 KB। तो आपका यहां पे जो है फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वेस्टेज ऑफ मेमोरी कितनी हो रही है, 2 KB। तो यही इन्होंने पूछा था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बताओ, सिंपल 2 KB। किस चीज को यूज करना था, ना तो हम यहां पे 16 KB 16 GB 32 बिट ये कुछ नहीं यूज कर रहे। सिंपल हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पेज का साइज कितना है और प्रोसेस का साइज कितना है। प्रोसेस का साइज 34 KB है और पेज का साइज कितना था, 4 KB था। इन दोनों को यूज करके वी कैन फाइंड आउट आर आंसर, क्लियर। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, 4 KB 4 KB 4 KB, हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू टेक 4 KB टू गेट 34 KB। 34 KB लेने के लिए मुझे एग्जैक्ट 34 KB नहीं आएगा, बिकॉज अगर मैं 9 पेज ले रही हूं तो 36 KB आ जाएगा। चाहिए कितना हमें, जस्ट 34 KB। 36 KB में से 34 KB माइनस हो गया, ठीक है, बचा क्या, 2 KB। ठीक
ठीक है, बचा क्या, वेस्टेड। ठीक है, लास्ट पार्ट में जो वेस्टेज हो रही है वो है 2 KB। यही इन्होंने पूछा था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बताओ कितनी है। क्लियर? ठीक है, सो मैं एक बार रिव्यू देने जा रही हूं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थे आपको एक ही टॉपिक में से थे, 2408 क्वेश्चन, इतनी वर्डिंग सेम है। वो पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ बिट नीडेड इन फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस में बिट्स कितनी चाहिए, ये पूछ रहा है 2408 क्वेश्चन नंबर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2407, उसमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पेज रिक्वायर्ड फॉर गिवन वर्चुअल एड्रेस स्पेस, कितने पेज हमें चाहिए वर्चुअल एड्रेस स्पेस में। फिर है 2409 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द साइज ऑफ पेज टेबल फॉर हैंडलिंग द गिवन वर्चुअल एड्रेस स्पेस गिवन दैट ईच पेज टेबल एंट्री इज ऑफ 2 बाइट। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है 2406, इसमें क्या है, नंबर ऑफ बिट रिजर्व फॉर फ्रेम ऑफसेट, फ्रेम ऑफसेट के लिए कितने बिट चाहिए। नेक्स्ट क्या है 2410, एंड उसमें पूछ रहा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो ऑल दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ पेजिंग, ये सारे क्वेश्चन आपके पेजिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड थे। क्लियर? ठीक है, इस तरह से आगे की वीडियोस में भी मैं आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कवर करवाने जा रही हूँ, उनको ध्यान से कंप्लीट कीजिए। सिंपल सी एक बात समझिए कि नेट का पेपर क्वालिफाई करना बहुत इजी है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एक एक टॉपिक में, एक ही टॉपिक में से ऑपरेटिंग सिस्टम के पेजिंग में से आए हुए हैं। ठीक है, और अगर आप प्लस स्टूडेंट है तो आपने इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से कवर किया हुआ है, मतलब 10 मार्क्स। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से 5 क्वेश्चन आप लोगों को आए हुए हैं, कैविटी के टॉपिक में से, जो कि सीधे सीधे आपको कवर करवाए हुए हैं। आप सर्च कर लीजिएगा किसी ना किसी वीडियो में, मैंने जैसे कहा कि जितनी भी स्पेशल क्लासेस है उनको कवर करो। अन अकेडमी के ऊपर जो फ्री होती हैं क्लासेस, ठीक है, वो स्पेशल क्लासेस हैं, उनको कवर करो, और अभी भी आपको वहां पे ये सोल्यूशन मिल जाएंगे कैविटी के 5 क्वेश्चंस के, बिफोर योर एग्जाम आई हैव कवर्ड दोज। ठीक है, इसलिए हमेशा स्ट्रेस देती हूँ, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। थैंक्स अ लॉट।